दोस्तों अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूं और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और मेरे पास एक वीडियोस आई, देख के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। तब गणी कमेंट आ रही थी, गणखरी बाणा ने भाइया ने नी बे रे बे पूरी कहानी के बनी अर के नी, तो चल मखा स्पेशल वीडियो बना के बता दू बेबे के बनी। मेरी गल बेबे, मेरी पेमेंट ना यूट्यूब की दो बिना की होल्ड हो रही थी। बेबे मनु वही सराल न जानते हो गए, टेक्निकली सराल है, मनु उसकी वीडियो पर जाकर कमेंट कर दी भाई इन्हू मेरी थोड़ी हेल्प कर, और मेरे जो पेमेंट है यूट्यूब की ना रही, दो महीने की सितंबर की भी ना रही, और या अगस्त की आनी थी भी, अगस्त की तो मान ले दो चार दिन का और टाइम है। तो फिर बेबे किसी ने कमेंट पढ़ी है, वे कोई फ्रॉड चैनल था टेक्निकली सराल के नाम से वो चैनल बना रहा है, उसने कमेंट कर दी। मैंने कमेंट कमेंट देखी, वो जो खरता मेरे नोटिफिकेशन आ गया जवाब का कि आंसर दे रखा भाई। तब मैंने बेबे मैंने सोची मां कि तो टेक्निकली सराल ने जवाब दिया बेबे, यो उस सराल का मैंने सोची जवाब है। तो बेबे मैंने कमेंट में उसको दो चार बात करके व्हाट्सएप पर आ गए भाई, मैं कहा जब भी व्हाट्सएप पर मैं बोला बेबे तू अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो दीदी, आप अपना मैं आपको पेमेंट तुरंत रिलाइज करवा दूंगा। बे मैंने उससे दे दिया, वो व्हाट्सएप पर आ गया बे, और व्हाट्सएप पर आए पाछा फिर बेबे मैंने उसका आई डी पासवर्ड दे दिया, आई डी पासवर्ड दे दिया मैंने अपना, और वो उसके फोन में खुलवा दिया मैंने बेबे खुद तय खुलवाए पाछे। बेबे मेरा तो इशारा बात करते करते मेरा तो फोन खुद स्विच ऑफ हो गया, मतलब रिस्टार्ट हो गया फोन, वापस फोन का सारा डेटा गायब हो गया, ना उसका नंबर ना कुछ और। तो भाई मैं तो जितनी जिंदगी में पहली बार मेरी गल ऐसा बना कि मेरी अड़बुद्धि बस्ट होगी कि मैं उस कमेंट ने देख उसके चैनल पर नहीं गई, चैनल पर नहीं जान पाई मैं, मतलब नू इतनी एक्साइटेड होगी कि भी बंदा मेरे तो इतना बड़ा यूट्यूबर आया जो खुद मेरे तो मतलब इससे ना कहा कर कि जल्दबाजी का काम शैतान का, तो आज मेरे तो वो है जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती हुई है। और गणखर इस बात ने नहीं मान रही कि गुड्डी झूठ बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही भी, मेरा चैनल सच में हैक हो रहा है और पूरी यूट्यूब पर कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं मिल रहा मैंने। तो भी सत्ता रिक्वेस्ट करो मेरी हेल्प करो, जिससे जितनी हेल्प हो सके करो भी मेरी हेल्प, किसे तो मेरा चैनल दबाया जा दबाओ या फिर डिलीट करवाओ मेरे चैनल, मेरे चैनल बहुत गलत आता मैं जा रहा भाई। क्या हो गया इतना है, कुछ ना बनाओ चाय पी लो, पहले चाय बनाओ, कल रोटी ने गली नहीं दी आज चाय भी आप बनाए पीनी पड़ेगा। क्या पियोगी मग या मग कटोरी में, मेरा जी ना करता तू पी पहले अपनी ना भाई, चैनल के चक्कर में यार लोग आई और मर रहेगी। रोटी रोटी गाल दी यार थी बड़ा गुड़ का टेम पर खंदा दे दी स्कूल में, कोई बात ना दोस्त चैनल ले लिया है करे कोई ना काम आओगा तेरे और बना लेंगे और मेहनत कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे नाम से आपको अगर कोई पैसे मांगता है, बोलता है कि मैं व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हूँ, बोलता है कि मैं आपके इश्यू को दूर कर दूंगा, तो आप किसी के झांसे में ना आए। सबसे पहले आपको जो है ना इंस्टाग्राम पे जाना है, और हमारे इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो 46,000 से ज़्यादा है। अगर आपको कभी मेरे से बात करनी है किसी भी रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको विश्वास तभी करना है अगर मेरी वीडियोज़ कॉल आपको मिले। अगर कोई आपको वीडियो कॉल नहीं करता, चाहे वो कहीं पर भी है, हालांकि व्हाट्सएप से हम किसी से बात ही नहीं करते हैं, अगर हाँ इंस्टाग्राम पे अगर कोई आपको वीडियो कॉल करेगा तो तब समझना कि भाई इसरार भाई है, नहीं तो समझ लेना फेक है। अब उस बंदे ने इनकी जो लाइफ है वो ख़राब कर दी है, तीन चार साल की दो साल की जितनी भी मेहनत है वो ख़राब कर दी है, और बद्दुआ भी लेगा। जो बंदा ये काम कर रहा है वो बहुत घटिया काम कर रहा है और मेरा भी नाम ख़राब कर रहा है। दोस्तों मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि भाई मैं आपके लिए हेल्प करूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को निकालूँ, मैं आपकी सॉल्यूशन वीडियोस सॉल्यूशन करूँ आपका, पर दोस्तों ये ऐसे कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मेरे नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, इसके लिए FIR भी करा दी गई है और ये बंदा कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएगा, और जैसे ही पकड़ा जाएगा मैं आपको अब की बार जरूर से आपको सामने लेके आऊंगा, इसकी वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर भाई तूने इनका मतलब अगर ये वीडियो तू देख रहा है, तो मैं तेरे से बोलना चाहता हूं कि जितना तू पाप कर रहा है ना बेटा, किसी की दुआ बददुआ, मतलब जब तेरे को जो है ना बीमारी कुछ लगेगी ना, जब तुझे पता चलेगा, जब तू
पुलिस की गिरफ्त में आएगा ना, जब तेरे माँ बाप को कुछ होगा ना, और उस दिन सोच लेना कि हाँ मैंने कितने बंदों की बददुआ ली है, मैंने कितने बंदों का मैंने दिल दुखाया है। तो मैं तेरे से एक बात बोलना हूँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जिनका जो चैनल आप लिया है आराम से चुपचाप उसको लौटा दे, अगर तू नहीं लौटाएगा तो फिर देख लेना। तो बहुत ज़्यादा अफसोस है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, अवेयर करिए कि किसी के झांसे में फालतू में ना आ सके। तब तक आपको विश्वास नहीं करना है जब तक आप वीडियो कॉल ना कर ले, तो ये आपको बात रखनी है। तो बस मूड ख़राब है यार, क्या ही बोले, वीडियो को लाइक करो ना करो वो आपका मन है।